गेंदबाज उसने काफी अच्छे, लास्ट में देखा ऑक्शन में सभी टीमों ने खिलाड़ी लेके घर गए, मतलब लास्ट में बाहर गए थे। बंटी जोशी वहां पर लास्ट मोमेंट तक बैठा रहा हॉल में, क्योंकि सोचता रहा कि कौन सा खिलाड़ी बचा है मेरा, लेना है लेना है, ये लास्ट मोमेंट तक उधर रात तक रुका और अच्छे खिलाड़ी चुने। और आज देखिए हालात क्या है, कुणाल नाइक है, 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। नवमान पटेल नॉन स्ट्राइक एंड पर है, काफी कुछ निर्भर होगा इस बल्लेबाज के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है प्रतीक गायकर, रिंगारवाड़ी से खेलते हैं। दो गेंदों में सिर्फ एक रन बनाया है, लेकिन अब रन बनाने होंगे। 12 गेंदे 28 की जरूरत वाणी लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात और लास्ट मोमेंट में कैच छोड़ा है। सिंगल से टोटल आगे जाएगा, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगातार दो छक्के, 2000 और 1000 और 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम सरफराज पटेल की तरफ से। बार बार अनाउंसमेंट नहीं होगा प्लीज, क्योंकि मुकाबला उस स्थिति में आ चुका है। किरण सर कैच ड्रॉप हुआ और कैच के साथ रन बना, स्ट्राइक चेंज हुई, जो खिलाड़ी को स्ट्राइक चाहिए थी वो स्ट्राइक अब मिल चुकी है, 11 में चाहिए यहां से अब 27 की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन है, दर्शक भी जानते हैं कि नौमान जैसे बल्लेबाज मैदान पर है तब तक ये मुकाबला जिंदा है। ओह, चेंज ऑफ डिलीवरी, गति परिवर्तन, चालाकी के साथ गेंदबाजी, कुणाल नाइक की प्रशंसा होनी चाहिए। जिनको कुणाल नाइक को जिस तरह से लिया, उसके कुणाल के गेंदबाजी में मैं कहूंगा वेरिएशन है। रॉन्ग वन गेंद करते, फ्लिपर गेंद करते, टॉस करते, गेंद को पीछे खींचते, हर तरह की गेंद करते वो, इसलिए काफी बेहतरीन, काबिले तारीफ गेंदबाजी। यस, इस बार गेंद किया था उन्होंने स्लो और ऑफ स्विंग किया, सेम गेंद। ये देखिए पहली गेंद जैसे ऑप्शन के बाहर पे की, अंदर की तरफ आई। कहते ना कि किरण सर जोश में कभी कभी बल्लेबाज होश गवा देते हैं। ये देखिए बल्ला कितनी जोर से घुमा, गेंद आई स्लो, ना बल्ले का संपर्क हुआ, डॉट बॉल की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे तो पुल स्कोर है 26, जीतने के लिए बची है 9 गेंदे 27। जे योगेश यहां से एक और डॉट गेंद, लेकिन 7000 दर्शक इस लीग को लाइव देख रहे, इस मुकाबले को लाइव देख रहे। कमजोरी का पता चल चुका है कुणाल नाइक को, क्या अपनी कमजोरी दिखानी नहीं यहां पर, वो स्लोअर गेंद के ऊपर बार बार बीट हो रहे बल्लेबाज, यानी कि कुणाल नाइक बार बार वही गेंद कर रहे। यहां से नौमान को अपना स्टांस चेंज करना होगा, कुछ अलग रणनीति यहां पर करनी होगी। यहां पर फिर से स्लोअर वन, एक और डॉट गेंद, 4 गेंदे लगातार डॉट। योगेश ये मुकाबले में शिकंजा कस रही है बंटी जोशी की टीम, बेहतरीन गेंदबाजी। मगर दर्शक ये मत सोचना कि मुकाबला खत्म हुआ, अभी भी मुकाबला जिंदा है, क्योंकि आखिरी 7 गेंदे 27 की आवश्यकता, कहीं मत जाना, मुकाबले में पलटवार जरूर होगा। इस ओवर की अंतिम गेंद सामने खेला, ये देखिए प्रेशर, दबाव और ये विकेट, आखिरकार 4 डॉट के साथ विकेट। योगेश दो मुकाबले में काम नहीं आए थे कुणाल नाइक, दो मुकाबले में मैं कहूंगा थोड़े पीछे गए थे, मार मिली थी, लेकिन इस मुकाबले में आपने आपको साबित किया। आइकॉन ऑलराउंडर में से लिया गया था प्रीमियर लीग के ऑक्शन में, और बेहतरीन गेंदबाजी, टोटल रन 26 स्कोर कार्ड के ऊपर, 7 गेंदे 27 रनों की जरूरत, और यहां से ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि 6 गेंदों में 27 रन, 4 छक्के, 1 ट्रिपल, यानी कि अब मुश्किल बनेगा इस मुकाबले में, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी